में साक्षी एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत। आइए जानते हैं देश की राजनीति का क्या है हाल। दलित बजरंगबली हमारे, जाति मैंने नहीं सीएम योगी ने खोजी मायावती, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बजरंगबली और अली वाले बयान पर बसपा प्रमुख मायावती ने शनिवार को बुलंदशहर की जनसभा में कहा, बजरंगबली और अली दोनों हम हैं। बकौल मायावती, बजरंगबली इसलिए भी चाहिए क्योंकि मेरी दलित जाति से जुड़े हैं। इनकी जाति की खोज मैंने नहीं बल्कि यूपी सीएम ने की है। बजरंगबली व अली का विवाद पैदा करने वालों से सावधान, रामनवमी पर मायावती। बसपा प्रमुख मायावती ने रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया है कि चुनावी स्वार्थ के लिए बजरंगबली व अली का विवाद व टकराव पैदा करने वाली सत्ताधारी ताकतों से सावधान रहना है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर कांग्रेस को, सपा बसपा को अली पर विश्वास है तो हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। अनुप्रिया पटेल की मां और फूलन देवी के पति को कांग्रेस ने दिया टिकट। कांग्रेस ने शनिवार को लोकसभा चुनाव के लिए 18 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल को गोंडा से टिकट मिला है। इसके अलावा दिवंगत फूलन देवी के पति उमेद सिंह निषाद को अम्बेडकर नगर से टिकट मिला है। दरअसल यूपी में कांग्रेस और अपना दल कृष्णा के बीच गठबंधन हुआ है। लैला मजनू से भी ज्यादा मोहब्बत पीएम मोदी और नीतीश कुमार में है ओवैसी। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को चुनावी रैली में कहा है कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आशिकी बड़ी मजबूत आशिकी है। लैला मजनू से भी ज्यादा मोहब्बत इन दोनों में है। ओवैसी ने आगे कहा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की मोहब्बत की दास्तान जब लिखी जाएगी मुझसे मत पूछिए इनमें लैला कौन है और मजनू कौन है, आप तय कीजिए। दिग्विजय ने की भोपाल स्थित राम मंदिर को कांग्रेस की जमीन देने की घोषणा। भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह ने घोषणा की है कि शहर के हमीदिया रोड स्थित राम मंदिर के विस्तार के लिए पार्टी अपनी जमीन मंदिर ट्रस्ट को सौंप देगी। उन्होंने कहा, इस मंदिर के निर्माण के लिए हमारे कार्यकाल में ही भूमि दी गई थी। पिछले कुछ हफ्तों में दिग्विजय बीजेपी नेताओं से ज्यादा मंदिर गए हैं। चुनाव के बाद चौराहे पर बंदरों की तरह घूमेंगे अखिलेश। बीजेपी नेता अग्रवाल, बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल ने कहा है कि 23 मई को वोटों की गिनती होगी और 24 को मायावती कहेगी कि मैं गठबंधन तोड़ती हूँ, मुसलमानों अहिरों ने हमें धोखा दिया। और अखिलेश यादव सपा अध्यक्ष चौराहे पर वानरों की तरह घूमेगा, चौराहे पर दौड़ता दिखाई देगा। गौरतलब है कि नरेश अग्रवाल पिछले साल ही सपा से बीजेपी में शामिल हुए थे। राज्य में 13 सीटें, 177 उम्मीदवारों को टिकट देना असंभव, पंजाब सीएम। राज्य में लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को कहा कि प्रदेश में केवल 13 सीटें हैं और 177 उम्मीदवारों को टिकट देना असंभव है। कैप्टन ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने जीतने की क्षमता के आधार पर टिकटों के बंटवारे का फैसला किया है। वन रैंक वन पेंशन दिया तो सेना का गौरव गान मोदी को करना चाहिए या नहीं पीएम। नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में जनसभा में कहा है कि कांग्रेस आजकल कह रही है कि मोदी सेना का नाम नहीं लेगा, अगर सेना को वन रैंक वन पेंशन दिया तो सेना का गौरव गान मोदी को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया तो मोदी को इसका गौरव गान करना चाहिए या नहीं। कुमारी शैलजा अंबाला और दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से कांग्रेस उम्मीदवार घोषित। कांग्रेस ने शनिवार को लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा की 10 में से 6 सीटों पर उम्मीदवारों को ऐलान कर दिया है। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा को अम्बाला से जबकि सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को उनकी वर्तमान सीट रोहतक से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए रमाकांत यादव को पार्टी ने एक दिन बाद ही दिया टिकट। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए शनिवार को उत्तर प्रदेश के 9 प्रत्याशियों सहित कुल 18 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसमें बीजेपी छोड़कर शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल हुए रमाकांत यादव को भदोही लोकसभा सीट से टिकट दिया गया है। वहीं गाजीपुर यूपी से केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा के खिलाफ अजीत प्रताप कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है।
बीजेपी देगी 1 रुपये में 5 किलो चावल, 500 ग्राम दाल और नमक। धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गोद्वार कटक में जनसभा के दौरान कहा है कि ओडिशा में सत्ता में आने के बाद बीजेपी 1 रुपये में खाद्य सामग्री, 5 किलो चावल, 500 ग्राम दाल उपलब्ध कराएगी, जिससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 3.26 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। इसके अलावा उन्होंने आंगनवाड़ी शिक्षकों का वेतन 15,000 प्रति माह करने का वादा किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा, घूंघट में रहे भाभी, राबड़ी देवी ने दिया जवाब। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के भाभी को घूंघट में रहना चाहिए वाले बयान का जवाब दिया है। राबड़ी ने ट्वीट किया है कि क्या यही है नरेंद्र मोदी जी का महिला सशक्तिकरण, यह है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पितृ सत्ता से सूबे को हमने छुटकारा दिलाया तो उसकी पीड़ा आपके बयान में नजर आ रही है। हेमा ने मेकअप किया है, मैंने नहीं किया है। मथुरा से गठबंधन उम्मीदवार नरेंद्र सिंह, मथुरा यूपी से गठबंधन उम्मीदवार नरेंद्र सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी को लेकर कहा है कि चेहरे से कौन अधिक आत्मविश्वासी लगता है। हेमा मालिनी ने मेकअप किया है और मैंने कोई मेकअप नहीं किया है। नरेंद्र ने कहा कि मुझे जनता से काफी समर्थन मिल रहा है क्योंकि मैं स्थानीय हूँ और लोगों की समस्याओं को कम करने में सक्षम हूँ। अगर आपको कुछ हो गया तो मुझे बहुत दुख होगा। रैली में पेड़ पर चढ़े लोगों से मोदी। मंगलुरु कर्नाटक में एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें देखने के लिए पेड़ पर चढ़े लोगों से कहा, आप लोग सुरक्षित है क्या? अगर आपको कुछ हो गया तो मुझे बहुत दुख होगा, आपसे आग्रह है कि नीचे उतर जाए। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, आपको ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए, मैं तो आपका ही हूँ, दोबारा आऊंगा, फिर मिलूंगा। मैंने आजम खान को भाई बोला, उन्होंने मुझे नाचने वाली कहा। जयप्रदा, रामपुर उत्तर प्रदेश के बीजेपी उम्मीदवार जयप्रदा ने शनिवार को कहा, मैंने आजम खान को भाई बोला था लेकिन उन्होंने मुझे नाचने वाली कहा और जलील किया। 2009 में सपा सांसद रही जया के मुताबिक वह रामपुर छोड़ना नहीं चाहती थी लेकिन उनके ऊपर एसिड अटैक की योजना जिसकी वजह से उन्हें शहर छोड़ना पड़ा। आजम को रामपुर आकर बताएंगे कि बजरंग बली क्या है। बजरंग अली वाले बयान पर गिरिराज। सपा नेता आजम खान के बजरंग अली तोड़ दो दुश्मन की नली वाले बयान पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया है कि आजम खान ने पहले प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली दी थी, अब हमारे भगवान को गाली दे रहा है। उन्होंने कहा कि आजम खान बेगूसराय का चुनाव खत्म होने के बाद रामपुर आकर हम बताएंगे कि बजरंग बली क्या है। मोदी जी के दोस्त अनिल अंबानी की जेब से आएगा न्याय योजना का पैसा। राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोतार कर्नाटक की रैली में पार्टी की न्याय योजना को लेकर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवाल पूछते हैं, पैसा कहाँ से आएगा? मोदी जी, पैसा आपके दोस्त अनिल अंबानी की जेब से आएगा। राहुल ने कहा कि आपने उस चोर को एयरफोर्स के 30,000 करोड़ चोरी करके दिए है, 100% चौकीदार चोर है। मोदी जी को देश निकालेंगे, वह चाय और पकौड़े बेचेंगे। बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि मोदी विरोधी जितना गठबंधन है हम भी उनमें से एक है, वे मिलकर मोदी जी को इस देश से बाहर निकालेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी जी जाकर कहीं ना कहीं चाय की दुकान बनाकर चलाएंगे और पकौड़े भी बेचेंगे। इससे पहले उन्होंने कहा था कि चुनाव जीतने पर वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश भेज देंगे। जो एयर स्ट्राइक का हवाला दे उसे एक दिन प्रचार ना करने दे। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की है कि जो नेता अपनी चुनावी रैली में पाकिस्तान के बालाकोट में हुए एयर स्ट्राइक का हवाला दे रहा है उसे एक दिन के लिए प्रचार करने को रोका जाए। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री खुलेआम एयर स्ट्राइक का हवाला देकर वोट मांग रहे हैं। लालू मेरे साथ मीडिया से बात करे, पता चल जाएगा हमारे बीच क्या बात हुई। किशोर, जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया है कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव जब चाहे मेरे साथ मीडिया के सामने बैठ जाएंगे, पता चल जाएगा कि हमारे बीच क्या बात हुई और किसने किसको क्या ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि पब्लिक ऑफिस और धन का दुरुपयोग करने के आरोपी सच के रखवाले होने का दावा कर रहे हैं। तो देश की राजनीति में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।